रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार प्यार दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन ब्रेड पैटीज की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही चीजी और मजेदार होने वाली है, और साथ साथ मैं आपको ब्रेड क्रम्स भी बनाना सिखाऊंगा। तो करना आपने क्या है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने यहाँ पे सैंडविच ब्रेड लेनी है जो कि प्लेन होती है, मतलब कि आपने मिल्की मीठे वाली ब्रेड नहीं लेनी। एक गिलास लेना, ऊपर रख के दबा देना है, घुमा देना है, और बहुत ही शानदार इसकी कटिंग हो जाएगी। ये देखें आप, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कटिंग हो गई। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखें। तो इन कटिंग्स के बाद ये जो हमारे पास बाकी ब्रेड बच गई, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इनको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, और कभी आपको एमरजेंसी में ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़े तो भी आपके लिए ये रेसिपी बहुत काम की होगी। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए, आसानी के लिए, पहले हम क्या करेंगे, पैन में इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, और इनको ब्लेंडर में ब्लेंड करना, इनका चूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी हमारे ब्रेड क्रम्स बनेंगे, 4 से 5 मिनट में हो जाएंगे। उसके बाद आपने ब्लेंडर में डाल के इनको पीस लेना है, और खूबसूरती के लिए यहाँ पे हमारे पास है जर्दा कलर, ठीक है। तो 1/4 टीस्पून टेबलस्पून इसमें डाल देंगे जर्दा कलर, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी कितने खूबसूरत ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। तो मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन में हम लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के, और जब ये गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे एक छोटे साइज का चॉप किया हुआ प्याज। प्यालियों को अच्छे से साफ किया करें, कुछ भी जाया नहीं होना चाहिए, चाहे एक जर्रा ही क्यों ना हो, इससे आपके खानों में बरकत आएगी और आपका रिजल्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे, अनियंस को लाइट ब्राउन यानी कि सुनहरी कलर आने तक। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो इसको भी पकाएंगे इसमें तकरीबन 2 मिनट। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये है हमारे पास कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर भी कहते हैं, 1 टेबल स्पून, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी ये जो फीलिंग है ये थोड़ी सी बाइंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी, तो इसकी जो एक लेस ही आ जाती है वो बड़ी मज़ेदार सी लगती है फीलिंग के अंदर। तो ये ले जी, ये है हमारे पास चिकन बॉयल्ड, मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है, और बॉयल करने के बाद इसको मैंने रेशा रेशा कर लिया। याद रखिएगा, चिकन को जब भी बॉयल करना है इसमें आपने बड़ी इलायची और नमक ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें मिक्सिंग कर देंगे, यहाँ पे मिक्सिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि वो जो कॉर्न फ्लोर है, कॉर्न स्टार्च है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ये लें जी, अब इसके अंदर जो सॉसेज जाएंगे खूबसूरती, टेस्ट और खुशबू के लिए, 1 टेबलस्पून जाएगा सोया सॉस, 1 टीस्पून चिल्ली सॉस, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और सिरका जाएगा 1 टेबलस्पून। 3 सॉस जाएंगे इसके अंदर, और इनको अब हम मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग में अब हमें थोड़ी सी आसानी होगी। अच्छा, ये लो आंच के ऊपर आपने ये सारी जो रेसिपी ना तैयार करनी है, ठीक है। 1/4 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, हसबे टेस्ट आप इस्तेमाल कर लें। 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें जीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे हम काली मिर्च। इसमें लाल मिर्च वगैरह, कोई भी चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं जाएंगी। ये काफ़ी लाइट सी रेसिपी है टेस्ट के लिहाज से। अब यहाँ पे मिक्सिंग देखें आप, ये कुछ इस तरह से होगी। ये देखें आप, क्योंकि कॉर्न स्टार्च की वजह से ये थोड़ा सा हार्ड हो गया। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर आप एक्स्ट्रा केचप या चिली सॉस ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आ जाता है, लेकिन ये मेन रेसिपी इसी तरह से है तो हम ये ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए, यहाँ पर हम जो है अपनी पैटी तैयार करते हैं। ये है हमारे पास, इसको मैंने ठंडा कर लिया, चिकन को, फिलिंग को। ये देखें आप कितनी खूबसूरत है, और ये थोड़ी सी हार्ड है, देख रहे हैं आप, ठंडा होने के बाद जो कॉर्न स्टार्च है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये है हमारे पास ब्रेड, देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत कटिंग है। 1 टेबलस्पून इसमें चिकन ऐड करेंगे बहुत सफाई के साथ, ये देखें। और ये है हमारे पास मोज़रेला चीज़, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप मोज़रेला चीज़ की ज़्यादा तारीफ़ करिए।